ପୁରୀରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜୟା ରାହାତକର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସିଧାସଳଖ ସେଠା। नमस्कार, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता भी है कि मेरे आज के दिन में आपके साथ मेरा वार्तालाप हो रहा है। हमेशा आप सभी का सहयोग मिलता रहा है और इसके बाद भी हमेशा मिलता रहे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी जगन्नाथपुरी में हो रही है। राज्यों में बात करूंगी वो सिर्फ इस राष्ट्रीय कार्य समिति के बारे में ही बात करूंगी। 2 उद्देश्य को लेकर हम इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी को हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही नियोजनबद्ध तरीके से काम करने वाली और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी है। हम ओडिशा में और उसके साथ साथ संपूर्ण देश में हर एक बूथ को मजबूत करना चाहते हैं। हर एक बूथ पर हमारी महिला कार्यकर्ता रहे और वो लोगों से संपर्क बनाए रखे, इस तरह की हम रचना कर रहे हैं जिसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। देश में हर एक बूथ पर कम से कम 5 महिला कार्यकर्ता हमारी काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और महिलाओं के लिए अनेक अनेक योजनाओं का निर्माण हमारे सरकार ने किया है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या शौचालय की हो, मुद्रा योजना हो, या उसके साथ साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, जिसके माध्यम से आज 5 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को, महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर मिला है। इसका बहुत बड़ा सफलता का श्रेय हमारे यहाँ के सुपुत्र माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को भी जाता है। ऐसी अनेक अनेक योजना है, इन योजनाओं को हमें धरातल पर उतारना है। उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें से 2 करोड़ बहनों को अभी तक घर मिले हैं। सौभाग्य योजना के माध्यम से अनेक अनेक गांव अब बिजली के साथ जुड़े गए हैं। ऐसी योजनाओं को हमें धरातल पर उतारना है। सरकार ने महिलाओं के लिए अनेक निर्णय किए हैं, जैसे कि 3 तलाक का निर्णय इस सरकार ने किया है और देश की 8 करोड़ से भी ज्यादा मुस्लिम बहनों को बड़ी राहत दी है और उनको विकास की मुख्य धारा पर चलने के लिए साथ में लेकर आज ये सरकार काम कर रही है। वैसे बहुत बड़े निर्णय हो गए हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कि पॉक्सो कानून में बहुत बड़े बदलाव आए हैं और नाबालिग बच्चों के साथ अगर दुष्कर्म होता है तो फांसी तक की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है और वैसे ही अमल करने वाली जो सिस्टम है उसमें भी बदलाव आए हैं। इसके साथ साथ आज हम देखते हैं कि जो महिला है, कामकाजी महिला है, उन कामकाजी महिलाओं के लिए अब मैटरनिटी बेनिफिट लीव जो है वो 26 हफ्तों का कर दिया है। ऐसी अनेक योजना है और भी हम बोल सकते हैं, इन सभी योजनाओं को हमें धरातल पर उतारना है जिसके लिए महिला मोर्चा संपूर्ण समर्पण के साथ काम करेगा। ओडिशा की यहाँ की जो सरकार है, बीजेडी की जो सरकार है, ये सरकार संपूर्णतः महिला विरोधी है। इस सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं किया है, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं।
और सरकार की ये जो काम है, जो कुछ काम किया ही नहीं, ये जो काम है उसको हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं। ओडिशा ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी स्टेट है और हम इस यूनिट पर बहुत फोकस कर रहे हैं। यहाँ की जो सरकार है, इस सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, उसी के साथ साथ उनके स्वावलंबन के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी काम नहीं किया है। इसीलिए ओडिशा में हमें एक महिला सुरक्षा यात्रा निकालनी पड़ी है। ये यात्रा 9000 किलोमीटर की यात्रा करी है, उसके साथ साथ 400 से भी ज़्यादा हमने छोटी बड़ी सभाएं करी है और सभी लोकसभा क्षेत्र, सभी विधानसभा क्षेत्र को स्पर्श करते हुए इस यात्रा को हमने पूरा किया है। उस यात्रा को बहुत रिस्पांस भी मिला है। इसको देखते हुए हमने ये भी तय किया है कि हमने बहुत सोच समझ के ओडिशा में ही हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव करने का हमने तय किया है और हमने पुरी में करना है, ये हमने तय किया है। इस कार्य समिति के लिए 200 से भी ज़्यादा देश से आए हुए पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी की देश की आपण देखुले राज्य बीजेपी कार्यालय सांबादिक सम्मेलन, बीजेपी महिला मोर्चार राष्ट्रीय अध्यक्षा विजय राहतक सांबादिक सम्मेलन करते।